बहुत समय पहले की बात है, जापान के एक छोटे से शहर में दाइची उमोगोटो नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वो बहुत ही चतुर व्यापारी था और अपने पिताजी के काम में बहुत मदद करता था, पर वो थोड़ा सा लालची भी था, पर जरूरत से ज्यादा दूसरों से हर चीज ले लेता था। एक दिन जब उसके माँ बाप दूसरे गांव गए हुए थे, तो उसके मामा हिरोको उनके घर आए। दाइची ने उनकी खूब सेवा की। मामा ने घर से जाते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है बेटा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ तुम्हारी सेवा के लिए। बेटा, ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक जादुई चप्पल है, अगर तुम इसको ध्यान से रखोगे तो तुम बहुत धनवान बन जाओगे। दाइची ने मामा की बात पर विश्वास नहीं किया। वो चप्पल की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों? ये साधारण सी दिखने वाली चप्पल में क्या जादू हो सकता है? मामा थोड़ा मुस्कुराए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ? और मामा हिरोको ने चप्पल पहनी और एक बार कूदे, और ये देखो, उनकी चप्पल से एक सोने का सिक्का गिरा। दाइची को आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वाह, देखो मामा, एक असली सोने का सिक्का। ये तो एक जादुई चप्पल है, एक बार और कूदिए तो एक और सिक्का मिल जाएगा। मामा ने इनकार कर दिया। नहीं मेरे बेटे, मैंने कहा था ना, इसको समझदारी से रखना होगा। जब भी इन चप्पलों को पहनकर कूदते हैं, हमारा कद छोटा हो जाता है। मेरे बच्चे, हमें कम से कम 7 दिन नहीं कूदना चाहिए चप्पलों से सिक्का पाने के बाद। मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। दाइची ने चप्पल पहनी और कूदा, और उसमें से एक और सिक्का फिर से गिरा। वो बहुत खुश हुआ। मामा ने उससे कहा, अब कम से कम 7 दिन के लिए इसे कहीं रख दो, और फिर 7 दिनों के बाद तुम एक सिक्का ले सकते हो। हिरोको उसी दिन शाम को अपने सफर पर निकल पड़े। दाइची पूरी रात सो न सका। उसने सोचा, कुछ और सिक्कों के साथ मैं अपने माँ बाप को चौंका दूंगा जब वो वापस आए। लंबा होने के लिए मेरी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। और दाइची ने जादुई चप्पल पहनी और कूदना शुरू कर दिया। एक, दो, तीन, चार, और बार बार कूदने लगा। जल्द ही सिक्कों का बड़ा सा ढेर सामने आ गया। खुश और थके दाइची ने सोने का निश्चय किया। जैसे ही उसने बिस्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो एक चींटी के जैसे छोटा हो गया था। दाइची रोया, पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था। दूसरे दिन उसके माँ बाप आए, तो उन्होंने सोने का ढेर देखा। दाइची, 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 दाइची। पर उन्हें दाइची फिर कभी नहीं दिखाई दिया।
शिक्षा, लालच का फल बुरा होता है।